आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे मेरे इस जर्नी में जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पर भी थी तो आज उन सब के बारे में डिटेल में यहाँ बात करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ जो लोग इन प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगा यही मकसद होता है मेरे सारे वीडियो शेयर करने का अगर आपने मेरा कॉन्सेप्शन स्टोरी वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैंने बनाया है और साथ ही साथ में अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि व्लॉग्स में भी मैं बहुत सारी बातें शेयर करती रहती हूँ तो चलिए लेट नहीं करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो मुझे बहुत ही जल्दी पता चल गया था कि मैंने कंसीव कर लिया है पीरियड मिस होने में अभी छः दिन बाकी थे उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराया बीटा एस का प्रोग्रेशन देखने के लिए तो मैंने दो ब्लड टेस्ट कराए 48 एट आवर्स के गैप में और जब मैंने देखा कि बॉडी में एस की मात्रा बढ़ रही है तब जाके मैं कन्फर्म हुई कि मैं प्रेगनेंट हूँ क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे और कैसे मुझे इतनी जल्दी पता चल गया वो सब वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है आप चेक कर लीजिएगा पर पहले ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद मैं गैने के पास गई उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आपका कोई लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका है पहले और अगर आपने मेरा कॉन्सेप्शन स्टोरी देखा होगा तो उसने मैंने किया है कि मेरे साथ में एक रंग उड़ गया उन्होंने कहा कि इन केस, हमें वीक में स्कैन करना पड़ेगा तो मैं डॉक्टर के पास बहुत जल्दी पहुंच गई थी सिर्फ साढ़े वीक की मैं उस टाइम पर प्रेगनेंट थी उन्होंने मुझे बोला कि डेढ़ हफ्ते बाद एक वाइबिलिटी स्कैन करना है जनरली वाइबिलिटी स्कैन जो है वो सेवन टू एथ वीक में किया जाता है जिसमें बेबी का हार्ट बीट भी देखते हैं और साथ ही साथ में ये भी देखते हैं कि कहा पे इम्प्लांटेशन हुई है यूट्रस में हुई है या फिर ये आपके फेलोपियन ट्यूब में हो गई है अगर फेलोपियन ट्यूब में हो जाती है इम्प्लांटेशन तो उसे एक टॉपिक प्रेग्नेंसी बोलते हैं जिसे आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं उसे निकलवाना पड़ता है और अगर आपकी हुई है यूट्रस में तो फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है तो हमने बोला ठीक है थोड़ा सा टेंशन तो हमें हुआ कि इतनी जल्दी ये स्कैन क्यों करवा रहे हैं साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको बोलते हैं जिसमें कि यूरिन कल्चर होता है आपका ब्लड टेस्ट में थायराइड वगैरह होता है वो सारे कुछ था वो भी उन्होंने बोला कि करवा लो तो वो सब तो नॉर्मल आ गया उसके बाद हम लोग गए फिफ्थ वीक में करवाने के लिए वाइबिलिटी स्कैन टेंशन तो हो रही थी डॉक्टर ने ऐसा बोला तो लग तो रहा था कि पता नहीं क्या है लेकिन भगवान की दया से दिक्कत नहीं आई जो हुआ था इम्प्लांटेशन वो यूट्रस में ही हुआ था तो वो सब कुछ सब कुछ नॉर्मल निकला उसके बाद हमें बोला गया कि आप सेवेंद एंड हाफ या एथ वीक में आ जाना तो हम लोग आपके बच्चे का हार्ट बीट चेक कर लेंगे तो वो अगेन जो एक स्कैन होता है जिसको डेटिंग स्कैन भी कहते हैं अगेन वाइबिलिटी स्कैन आप कह सकते हो तो वो मैं फिर से गई करवाने के लिए एर्थ वीक में और उस टाइम पे हार्ट बीट आ चुकी थी जनरली सेवन टू नाइन्थ वीक के अंदर हार्ट बीट आती है बच्चे की मैंने तो एर्थ वीक में करवाया मुझे नहीं पता उससे पहले कब आई थी पर उस दिन तो आ चुकी थी तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं थी आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो सब ठीक है लेकिन थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात हो गई थी मेरे साथ जिसने मुझे आगे परेशान कर दिया तीन हफ्ते के लिए तो जब मेरा स्कैन हुआ तो स्कैन रूम में ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी इंटरनल थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है जिसको सब क्रियोनिक हेमरेज बोलते हैं या फिर सब क्रियोनिक हेमाटोमा बोलते हैं ये जो है एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग ये बहुत ही कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन फाइंडिंग्स में आती है अल्ट्रासाउंड के टाइम पर तो वैसे कोई घबराने की बात नहीं है लेकिन ब्लीडिंग uh, की वजह से आपको अभी आगे थोड़े से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और उन्होंने कहा कि बाकी बातें आपको आपकी डॉक्टर बताएगी तो ये सुनते ही थोड़ा टेंशन तो हमें हो गया कि इंटरन ब्लीडिंग आ रही है और इससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इतना डिटेल में पता नहीं होता है जब तक आप उस चीज़ से गुजरते नहीं हो इनफैक्ट जिनके साथ होता ही नहीं है ये सब भगवान की दया से उनको तो पता भी नहीं होता कि कितने कॉम्प्लीकेशन हो सकते हैं तो मैं उनमें से थी जिन्हें बिल्कुल ही पता नहीं था कि क्या कॉम्प्लीकेशन है मैं तो बस सोच के आई थी कि हार्ट बीट आ जाए बस काम हो जाए तो उन्होंने बोला कि ये है आप देख लेना बात कर लेना तो चलो ठीक है बाकी सब कुछ नॉर्मल था फिर हम गए डॉक्टर से मिलने रिपोर्ट लेकर के और उन्होंने कहा कि इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपको अभी कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है तो ये जो ब्लीडिंग है सबक्रॉनिक हेमरेज या हेमाटोमा की अगर बात करें तो ये कॉमन तो बहुत ही ज़्यादा है पर कई केसेस में ये ब्लीडिंग बाहर हो जाती है मतलब जैसे कि आपके पीरियड्स आते हैं वैसे हल्का हल्का फ़्लो भी बहुत लोगों को आता है और कुछ लोगों को ये फ्लो नहीं होता ब्लीडिंग बाहर नहीं आती पर इंटरनली ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रहती है जो वहाँ पर जमा हो जाती है तो दोनों टाइप का होता है मेरे केस में मुझे बाहर ब्लीडिंग नहीं हो रही थी और इसीलिए ये फाइंडिंग जो है ये अल्ट्रासाउंड से पता चला अगर मैं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती मान लीजिए तो ये पता भी नहीं क्योंकि कोई नहीं होते chance, तो वो हमें नहीं लेना है इसीलिए झुकना नहीं है तुम्हें चलना नहीं है सिर्फ तुम बाथरूम जाने के लिए उठ सकते हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि ब्लीडिंग बढ़ जाए और तुम्हें बाहर भी ब्लीडिंग होने लग जाए तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई और कब तक बेड रेस्ट पे रहना है तो उन्होंने कहा कि एंटी स्कैन तक तो बेड रेस्ट में रहो मतलब एट्थ वीक में सोचिए मैं गई थी ये करवाने वाइबिलिटी अगेन सेकेंड वाइबलिटी स्कैन और एंटी स्कैन थर्टीथ वीक में होता है तो यानी कि उन्होंने मुझे पाँच हफ्ते के लिए ये बोल दिया था तो मुझे तो सुन के पहले बहुत टेंशन हो गई पाँच हफ्ते कंप्लीट बेड रेस्ट एनी कर क्या सकते हैं उसके साथ उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दे दिए जिसमें कि मुझे बोला गया कि प्रोडेस्ट्रॉन का इंजेक्शन लेना है और एस का भी इंजेक्शन लेना है तो प्रोजेस्ट्रॉन का इंजेक्शन मैं फर्स्ट टाइम ले रही थी मुझे नहीं पता था बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा मेरे लिए हफ्ते में एक लेना था मुझे प्रोजेस्ट्रॉन और एक लेना था एस का प्रोजेस्ट्रॉन लेने के बाद विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स तो जो हालत हुई थी ना मेरी मतलब मैं साइड भी टर्न नहीं कर पा रही थी इतना पेनफुल था चल मतलब बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए खैर तो वो बोला गया कि तीन हफ्ते के लिए लेना है और फिर एंटी स्कैन में देखते हैं कि ये ब्लीडिंग गई है कि नहीं गई है दो हफ्ते जब मेरे बेड रेस्ट को हो गए ना तब तक मैं एकदम परेशान हो गई कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था बेड पे रहना दिन भर रूम में बैठे रहना उस टाइम पे मैं व्लॉग्स भी नहीं कर रही थी खुद में बीमार बीमार फील हो रहा था ब्लीडिंग मुझे वैसे हो नहीं रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये जरूरी है करना कि नहीं ज़रूरी है क्या किया जाए तो मैंने वापस से डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनको बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक स्कैन अभी विद इन वन वीक हो थ्री वीक्स के बेड रेस्ट पर मैं एक स्कैन रिपीट करना चाहती हूँ मैं इतने दिन बेड पर नहीं रह सकती हूँ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत नहीं है एंटी स्कैन के टाइम पे देख लेंगे बट आई इंसिस्टेड कि नहीं मुझे एक और स्कैन करना है तो उन्होंने कहा ठीक है इन दैट केस एक वीक के बाद कर लो तो इलेवेंथ वीक में मतलब तीन हफ्ते हुए थे मुझे बेड रेस्ट किए हुए इलेवेंथ वीक में मैंने एक और स्कैन रिपीट कराया क्योंकि मुझे अंदर से ये फीलिंग पूरी आ रही थी कि मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है और मेरा ये जो भी था वो हील हो चुका है मुझे ज़रूरत नहीं है इतना बेड रेस्ट करने की तो उसके बाद मैं गई इलेवेंथ वीक में ये स्कैन करवाया और स्कैन में वही फाइंडिंग निकली जो मैं चाहती थी मेरा कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग उसमें नहीं था था वो पूरी तरीके से हील हो चुका था और सब कुछ बढ़िया था उसके बाद डॉक्टर से मैंने दिखाया रिपोर्ट तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप घर में चल फिर सकते हो रेस्ट की जरूरत नहीं है तो ये था मेरा सब क्रियोनिक हेमरेज की स्टोरी तो अगर अभी आपके साथ ऐसा हुआ है अगर आपके फर्स्ट ट्रेमेस्टर पर निकला है तो बिल्कुल मत घबराइए ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है बहुत सारे केसेस में ये होता है टेन परसेंट केसेज में ये होता है और ये बेडरेस से और प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन से बिल्कुल हील हो जाता है इसमें डरने की बात नहीं है बहुत लोगों को ये ब्लीडिंग बाहर भी होने लग जाती है तो उन्हें भी बस रेस्ट लेने की ज़रूरत है आप चाहो तो पैर ऊपर कर लो तकिया रख करके उससे भी आपको रेस्ट मिलेगा इंजेक्शन से रेस्ट मिलेगा और आप ठीक हो जाओगे तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कुछ भी मत सोचिए मेरा देखिए हील हो गया था अभी फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है तो कैसे मैं एंटी स्कैन को भूल सकती हूँ हर कपल जिसने कंसीव किया है जिस फेस से गुजरे उनको पता है एंटी स्कैन जो है वो टेंशन तो देती है तो इसको लेवल वन स्कैन भी बोलते हैं नक्कल ट्रांसलेंसी स्कैन एंटी एन एक्चुअली फुल फॉर्म है थर्टीन वीक में होता है ये मेरा थर्टीथ वीक में ही हुआ था तो टेंशन तो थी उसके लिए और मैंने एंटी स्कैन के साथ साथ में डबल मार्कर टेस्ट भी करवाया था तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आप प्रेग्नेंट हो कि सिर्फ एंटी स्कैन ना कराए डबल मार्कर भी करवाए एंटी स्कैन जो है अगर सिर्फ आप वो कराओगे तो सत्तर प्रतिशत है, पता कि सब ठीक है कि नहीं पर अगर आप डबल मार्कर के साथ उसको कंबाइन करते हो तो नाइनटी परसेंट तक चलता है पता कि सब कुछ ठीक है कि नहीं अब एंटी स्कैन के लिए हम लोग गए टेंशन तो हो ही रहती। और मैं ये भी सोच रही थी और बेबी का पोजिशन सही होना चाहिए ताकि अच्छे से डॉक्टर को दिखे नेजल बोन वगैरह तो हम लोग अंदर गए तो उस समय बेबी उल्टा था फिर बोल रही लगी डॉक्टर की यह तो उल्टा है अभी ये सीधा होगा उसके बाद ही कर सकते हैं तो जाओ तुम बैठो कुछ मीठा वीठा खाकर आओ जैसे डॉक्टर ने यह बात बोली शायद बेबी ने यह बात सुन ली और वो सीधा हो गया और डॉक्टर ने भी वहाँ पे मुझे बोला कि अरे लगता है इसने सुन ली मेरी बातें तुरंत पलट के सीधा हो गया और डॉक्टर ने सारा देख लिया और सबसे अच्छी बात मुझे लगे कि ये लगी कि एक्सपीरियंस अंगद के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैं जहाँ बैठी थी स्क्रीन तो इधर था तो मुझे नहीं दिख रहा था कुछ पर अंगद को डॉक्टर ने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बिठा दिया वहाँ पर स्क्रीन की तरफ करके और एक एक चीज़ अंगद को उन्होंने एक्सप्लेन करी कि ये हाथ है ये पैर है ये सब कुछ फेस अब कुछ उन्होंने इतनी अच्छे से पंद्रह बीस मिनट एक्सप्लेन किया अंगत ने पूरा मूवमेंट देखा बेबी का मुझे लास्ट में दिखाया थोड़ा सा पर मैं दो टाइप के स्कैन सेंटर जाती हूँ ना एक तो मेरा हॉस्पिटल वाला है और एक अलग स्कैन सेंटर है तो जो अलग स्कैन सेंटर है वहाँ पे तो स्क्रीन सामने रहता है तो मैंने भी देख लिया है मूवमेंट बेबी का पर मेरे हॉस्पिटल में जो है वो वहाँ पर दिखता नहीं है मेरे को अंगद कोई दिखता है तो बेबी बिल्कुल ठीक था सब कुछ ठीक था पर अगेन मेरे साथ में एक और फाइंडिंग निकल गई तो जब मैं गई तो डॉक्टर ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है और मैंने पूछा उनसे और प्लेसेंटा पोजीशन क्या है तो उन्होंने कहा कि प्लेसेंटा थोड़ा लो लाइंग है पर टेंशन की बात नहीं है ठीक हो जाएगा तो उन्होंने बहुत कैजुअली लिया डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वाले ने बहुत ही कैजुअली बोला ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब मैंने वो रिपोर्ट अपनी गायनेक को दिखाया तो वो किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेती हैं तो जैसे उन्होंने देखा कि लो लाइंग है थोड़ा तो उन्होंने कहा कि बेड रेस्ट करो कंप्लीट बेड रेस्ट मैं तुमको नहीं बोल रही हूँ लेकिन अगेन चलना फिरना कम करो थोड़ा सा लिमिट में रखो एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करना झुकना बिल्कुल भी नहीं स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं करनी और जितना हो सके आराम करो क्योंकि थोड़ा लो लाइंग ही ज़्यादा नहीं है पर मैं नहीं चाहती कि और लो लाइंग हो जाए पर अगर मैं आपको बताऊं सच्चाई तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो लाइंग प्लेसेंटा आना अगेन एक बहुत ही नॉर्मल बात है धीरे धीरे जैसे ही आपका यूट्रस एक्सपैंड होना है ना वो अपने आप जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ मूव अप कर जाता है तो अगर ट्वेंटी वीक से पहले के सारे स्कैन्स में आपका लो लाइन निकल भी रहा है मान लीजिए आपके एंटी स्कैन में लो लाइन निकला है या फिर आपके एनिमली स्कैन में भी लो लाइन निकला है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ओनली अगर ट्वेंटी वीक्स के बाद ये लो लाइंग लो लाइंग ही रहता है तब जाके ये कई बार प्लेसेंटा प्रीविया में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लेसेंटा जो लो लाइंग होता है उसमें बहुत सारे पोजिशन्स होते हैं कई बार प्लेसेंटा जो है वो थोड़ा सा ही लो लाइंग होता है जो मेरे केस में था मतलब सर्विक्स के ऑलमोस्ट पास आ रहा होता है पर पूरी तरीके से सर्विक्स को कवर नहीं करता एक वो होता है और दूसरा जो होता है प्लेसेंटा प्रिविया जिसको बोलते हैं उसमें वो कंप्लीटली सर्विक्स को क्लोज कर लेता है तो प्लेसेंटा प्रीविया आपको अगर निकलता है वो तब निकलता है जब आपका बाईस हफ्ता के बाद भी मूव अप नहीं किया रहता है ऊपर प्लेसेंटा पर इन जनरल केसेस में ये देखा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फाइंडिंग में अगर ये निकलता भी है तो भी ये धीरे धीरे मूवअप हो ही जाता है तो इसमें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया रेस्ट करो सब कुछ पर फिर भी मैंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई करी हुई थी कि होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका कोई टेंशन नहीं अपने आप ये ऊपर मूवअप हो जाएगा और एग्जैक्टली exactly वही हुआ तो मैंने बाद में जा करके इसका अगेन एक अल्ट्रासाउंड करवाया था चेक करने के लिए मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था आपके साथ कि उस अल्ट्रासाउंड में मैं यही पता करने के लिए गई थी आई गेस मैं तीन हफ्ता के बाद गई थी थर्टींथ वीक में चला पता कि पेसेंटा जो है वो थोड़ा नीचे है सिक्सटीन वीक में मेरा एक और स्कैन हुआ था उस स्कैन में जाकर के मैंने यही चेक करवाया कि क्या ये मूवअप हुआ है या नहीं हुआ है और सिक्सटींथ वीक में ही मेरा जो ये पेसेंटा है ये मूवअप हो चुका था कई ज़्यादा से आई थिंक पाँच सेंटीमीटर ऊपर मूव हो चुका था सर्विक्स से तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं थी तो अगर आपका ये रिपोर्ट निकला है और आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है या स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में है अगेन चिंता मत करिए ये अपने आप ऊपर धीरे धीरे जैसे यूट्रस एक्सपैंड होगा ये ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव रहिए चिंता मत करिए सब ठीक हो जाता है बहुत ही कम केसेज ऐसे हैं बहुत ही कम आई गैस टू टू थ्री परसेंट केस ही ऐसा होता है जहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया हो जाती है बाकी लोगों का ठीक हो जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन आया था पर अगेन मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल दिमाग में इस चीज़ को लिया नहीं आपको व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा मैं नॉर्मल काम वाम कर रही थी जितना कर सकती हूं बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ में क्या क्या हो रहा था जो मुझे परेशान कर रहा था तो ज़्यादा कुछ भगवान की दया रही बहुत ज्यादा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई मुझे सिर्फ अभी तक में एक बार वॉमिटिंग हुई थी जब मैंने एक बार आयन का टैबलेट खाया था उसके बाद वो भी रिपीट कभी नहीं हुई तो उल्टी की प्रॉब्लम नहीं कभी मुझे कोई चक्कर नहीं आया तो वो सब कोई समस्या नहीं थी मुझे जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो था मेरे पूरे मुँह में एंटीबायोटिक का टेस्ट उसकी वजह से मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था सिर्फ मन

एपिसोड्स होते थे वेडिक की प्रॉब्लम मुझे पहले भी रही है प्रेग्नेंसी से पहले भी और प्रेग्नेंसी में भी कभी कभी हुई फूड एवर्जन्स की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें थी ऐसी जो मुझे खाने का मन नहीं करता था और उसमें नंबर वन था राइस मुझे राइस खाना बहुत अच्छा लगता है बचपन से दोपहर में राइस खाते आई हूँ पर इस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे राइस देखने का भी मन नहीं करता था तो मैं सिर्फ रोटी खाती थी मुझे दाल खाने का मन बिल्कुल नहीं करता था और चाय जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है दिन में दो बार पीना है मैं चाय लवर चाय तो मतलब मैं बिल्कुल भी पी नहीं पाती थी घर में कितना भी अच्छा चाय बना दो अब बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि स्मेल बर्दाश्त नहीं होती फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कॉमन है ये तो मेरे साथ में ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ये परेशानी मुझे कर रही है पर कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ही रेयर कि अगर मैं किचन में गई हूँ और सब्ज़ी बन रही है थोड़ा सा स्मेल लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उल्टी आ रही है या बहुत परेशानी हो रही है तो वैसा स्मेल से भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी बिल्कुल भी आई वॉज ओके तो वैसे देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी एंड आई फील सो ब्लेस्ड क्योंकि मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनको बहुत उल्टियाँ होती हैं खाने का बिल्कुल मन नहीं करता बहुत लोगों का बहुत वेट लॉस हो जाता है इस वजह से तो आई नो उस हिसाब से आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो सब तो फीलिंग नहीं हो रही थी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही थी पर ये सब क्रियोनिक हेमरेज ने डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने भी बहुत सीरियसली लिया पर अब मैं आपको ये बोल सकती हूँ गारंटी के साथ कि अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आया है तो बिल्कुल परेशान मत हो रेस्ट करिए ट्रस्ट योर डॉक्टर इंजेक्शंस लीजिए भगवान का नाम लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए वो बिल्कुल हील हो जाता है और अगर आपका लो लाइन आया है तो वो भी मैंने आपको बता दिया वो भी हील हो जाता है उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड तक हुआ है तो उसके बाद भी लो लाइंग है तो आगे टेंशन लेने की ज़रूरत है तो मेरा तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा एंड uh, मैं आशा करती हूँ आपको थोड़ी सी हिम्मत मिली हो सुन करके इसके बारे में बाकी आपका क्या रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कुछ अलग रहा तो मुझे कमेंट करिएगा पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा मैं इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो मैं मिलूँगी आपसे अगली बार तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए बाय बाय